वर्तमान में किसानों की रवि की फसल के लिए बोहनी का समय चल रहा है। मंडी प्रांगण जहां पर किसानों को खाद मिलता है, वहां पर किसान खाद के लिए रात में 2 बजे से आकर लाइन में बैठ जाते हैं। फिर भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है और ये कहकर भगा दिया जाता है कि स्टॉक नहीं है। बंडा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस विधायक तरवर सिंह मंडी प्रांगण पहुंचे और किसानों की समस्याएं जानी। किसानों ने आप बीती सुनाई तो तरवर सिंह जो कि एक किसान है, किसानों के साथ मंडी प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए, जहां पर बंडा तहसीलदार पहुंचे और किसानों की समस्याएं जानी। किसानों ने बताया कि रात 2 बजे से वे आकर लाइन में बैठ जाते हैं, दिन में कड़ी धूप में बैठे रहते हैं, पर्ची दे दी जाती है, फिर भी खाद नहीं मिलता। तहसीलदार से कहा कि वे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं और खाद की कालाबाजारी ना होने दें। खबर लिखे जाने तक पूर्व विधायक एवं किसान धरने पर बैठे थे। जानकारी लगने पर बंडा SDOP शिखा सोनी, थाना प्रभारी उपमा सिंह मंडी प्रांगण पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, किंतु किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे। रात के 2 बजे से हमारे पूरे बंडा क्षेत्र का किसान डबल लाख का जो खाद वितरण होता है वहां पर बैठा है और अभी कम से कम 250-300 किसान ऐसे हैं जिनको एक भी बोरी खाद नहीं मिला और जो दिन में लेके गए हैं खाद वो एक बोरी या 2 बोरी, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारी बात जो हमारी DMO हैं मैडम, उनसे भी बात हुई है, हमारे जो यहाँ पर डबल लाख के प्रभारी हैं उनसे भी बात हुई है और हमने एक टीम बना के भेजा था, उस टीम के साथ वो जो यहाँ के प्रभारी है वो भी गए थे। गोदाम में 600 बोरी खाद रखा है, अब सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ झूठे वादे करके बहकाने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी पार्टी है। आप देखिए अभी रात के 7-8 बजने को है और सभी किसान माता बहनों बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं जिनको खाद चाहिए और खाद नहीं मिला। मेरा तो वर्तमान में जो हमारी मध्य प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, जिन जिम्मेदारियों को लेकर मोहन यादव जी की भाजपा की सरकार को पूरे प्रदेश की जनता ने वोट दी थी, हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक 2023 में जो बने उनको जिन जिम्मेदारियों को लेकर हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वोट दी थी और उन्हें जिताया था, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद 2024 में जिनको पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जिन जिम्मेदारियों को लेकर वोट दी थी, उन जिम्मेदारियों का ना ही विधायक, ना ही सांसद, ना ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाह नहीं कर पा रहे। मेरा तो बस यही कहना है कि पहले तो हमारे बंडा क्षेत्र के विधायक जब जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकते वो अपना इस्तीफा दें, उसके बाद सांसद दमोह वो भी अपना इस्तीफा दें और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी अपना इस्तीफा दें, क्योंकि जो उन वादे किसानों से किए थे उनको वो नहीं निभा पा रहे, ना ही उनका निर्वहन कर पा रहा है। बस मेरा यही कहना है। जय किसान, जय किसान। आप धरने पर ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? देखिए अभी हमारी बात हुई है और किसान हमारे साथ जितने भी किसान बैठे हैं सभी किसान इस आस को लेकर बैठे हैं कि अगर उन्हें एक भी बोरी DAP खाद की मिल गई तो वो कम से कम 1-2 एकड़ की बोनी कर लेंगे। अगर उन्हें DAP खाद नहीं मिलता, क्योंकि कल धनतेरस है, उसके बाद फिर दीपावली आएगी, पूरे 10 दिन जाएंगे और उन सभी किसानों की खेती बोई नहीं जाएगी, उखड़ जाएगी। तो हमारा तो बस यही आप ये चैनल के माध्यम से, इस वीडियो क्लब के माध्यम से यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेते, यहाँ के विधायक चेते, यहाँ के सांसद चेते और यहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चेते हैं कि किसानों के साथ जो आप लोग दुर्व्यवहार करने वाले हैं, क्योंकि सरकारें बहुत सी आई बहुत सी गई, आने वाला समय आपको यही क्षेत्र की जनता और यही क्षेत्र के किसान आपको बता देंगे जो उनके साथ आप लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। महिलाएं 8 बजे से बैठी हैं।